मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा धनबाद तथा बोकारो जिले से मगही भोजपुरी अंगिका भाषा को क्षेत्रीय भाषा से हटाए जाने के विरोध में सोमवार को धनबाद जिले के पुटकी करकेन चौक से केंद्रीय मसाल जुलूस निकाली गई। केंद्रीय पुलिस जुलूस पहुंचकर मंच के नेताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए भाषा विवाद के बारे में आम लोगों को जानकारी दी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री आलमगीर आलम का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया। कार्यक्रम का नेतृत्व अभिषेक सिंह, बंटी सिंह तथा 37 के शैलेंद्र सिंह ने किया। मंच के करते हुए कहा कि यदि झारखंड में मगही भोजपुरी अंगिका भाषा का सम्मान झारखंड सरकार नहीं करती है और धनबाद में क्षेत्रीय भाषा में लागू नहीं करती है तो हमारा मंच देश के राजनीति एवं प्रधानमंत्री को इस समस्या से अवगत कराने दिल्ली तक जाएंगे और कहा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मौके पर मदन राम, जितेंद्र पासवान, मनन यादव, समरेंद्र पासवान, पप्पू सिंह, योगी राज सिंह, नरेंद्र सिंह, बीडी सिंह उपस्थित थे। हम लोग आज ही भाषा भोजपुरी मगही और अंगिका बचाओ संघर्ष समिति जो बना है इसके तले आज केंदुआ में हम लोग यहाँ जुलूस और मसाल और पुतला दहन का कार्यक्रम रखे। ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि समझे सरकार आप अन्याय कर रहे हैं, आप यहाँ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, आप भाषा पे हम लोग को लड़ा रहे हैं क्या? वो जो खोरठा बोलते हैं वो मेरे भाई नहीं है? बिरसा मुंडा जी 57 में संघर्ष किए अंग्रेजों के खिलाफ, जब क्या उसमें बिहारी लोगों का योगदान नहीं है? क्या हम लोग का योगदान नहीं है? ये भाषा का तुष्टिकरण हो रहा है, ये राजनीति का तुष्टिकरण कर रहा है लोग और हम लोग को आपस में लड़ा रहा है। हम भोजपुरी बोलते नहीं तो हम बने हम कहाँ यूपी गए होंगे? नहीं, बाप दादा हमारे जज्बा कहे हम चलिए। संविधान 14-17 में ही लिखल बा भाषा के आधार पर कोई ना बांट सकेला। एकरा खाती हमने हम अभी मने हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे वाला बानी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर। तो अगला मांग क्या करते हैं? मांग ये बा सरकार से कि एकरा के जैसे निरस्त कैल भाषा के ये मैथी में लागू होके के चाहे। यदि सरकार आपकी बात नहीं सुनती सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा क्या है हमारे देश में? सड़क से सदन तक जाम, वो तो सदन तो जाएंगे ही सदन, लेकिन सुनने वाला नहीं है। भ्रष्ट सरकार है, ये कान में तेल डाल के सुतल है, खाली कोयला चोरी या बालू चोरी करवा रहा है, कान में तेल डाल के सुता हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह, मैं वार्ड पार्षद 37 धनबाद नगर निगम। ये जो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग धनबाद तथा बोकारो जिलों से हम लोग मगही भोजपुरी एवं अंगिका भाषा को जो क्षेत्रीय भाषा से हटा दिया गया है ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सरकार को बताना चाहेंगे कि आप अपने आप को सुधार लें और जो जिस दबाव से हमारे भाषा को धनबाद और बोकारो जिले से क्षेत्रीय भाषा से हटाने का काम किए हैं, जब तक नहीं पुनः विचार करके इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा में नहीं लगाते हैं तब तक धनबाद में इस तरह चरणबद्ध आंदोलन होते रहेगा और यह आंदोलन इतना तेज धारदार बनते रहेगा कि आपको मजबूरन इसको वापस लेना पड़ेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हमारे भाषा को हमारे क्षेत्रीय भाषा में दर्जा देने का काम करें, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज हम लोगों का मगही भोजपुरी अंगिका भाषा के जो हम लोग नेतृत्व जो काम कर रहे हैं, हम लोगों का प्रवक्ता जी आए, हम लोगों का आज हम लोग करकेन बाजार से लेकर केंदुआ बाजार तक हम लोग जाएंगे और इस तरह से हम लोग वहाँ जाके माननीय मुख्यमंत्री का, जगन्नाथ महतो का, आलमगीर आलम का एवं राज ठाकुर का पुतला दहन करेंगे। जी मेरा नाम मदन राम हुआ है, मंच का संयोजक हूँ।